गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देखिए अभी तक ये हम लोग अपने प्रीवियस क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स को पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हमें स्टार्ट करनी है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। तो इनमें जो हमारी मेन केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो आरएक्स है, आरएक्स में जो हैलोजन एटम है वो रिप्लेस कर दिया जाता है न्यूक्लियोफाइल से, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है और क्या बन जाता है, आरएनयू बन जाता है एज अ प्रोडक्ट, और जो हैलोजन एटम है वो एज अ हैलाइड आयन बाहर आ जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर न्यूक्लियोफाइल एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है और फाइनली क्या बना लेता है, एल्किल ग्रुप के साथ अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। तो अब देखिए यहां से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि द ट्रीटमेंट ऑफ आरएक्स विद अल्कोहलिक KOH, सॉरी विद एक्वस KOH लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, बट इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन बाय। तो ये कह रहा है कि जब हम एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH से बनाते हैं तो ये फॉर्म करता है अल्कोहल, और अगर हम अल्कोहलिक KOH से बनाते हैं तो ये फॉर्म करता है एल्कीन। ऐसा क्यों है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH से कराते हैं तो अल्कोहल फॉर्म होता है, और अगर हम एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं तो एल्कीन फॉर्म होता है, ऐसा क्यों। तो पहले कंडीशन देखते हैं, तो होता क्या है कि जब हम एक्वस KOH से कराते हैं, तो एक्वस का मतलब क्या होता है कि KOH को हमने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये जो वाटर है अपने पोलर नेचर की वजह से के OH को के प्लस और OH माइनस आयन में डिसोसिएट कर देगा, और ये OH माइनस आयन जो है यहां से Cl को आसानी से सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा, क्लियर। तो यहां पर वाटर के पोलर नेचर की वजह से जो एक्वस KOH है वो डिसोसिएट होता है OH माइनस आयन में, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा और क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा और अल्कोहल बना लेगा। अब लेकिन यहां पर जब हम KOH कैसा ले रहे हैं, अल्कोहलिक KOH ले रहे हैं, तब ऐसा क्या होता है कि अल्कोहल ना बनकर के एल्कीन फॉर्म हो जाता है। तो देखिए अब देखिए क्या है, दूसरा रीजन क्या है कि क्यों एल्किल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करके एल्कीन्स बनाते हैं। तो होता क्या है कि जब अल्कोहलिक KOH हम लेते हैं तो क्या होता है, यहां पर अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होता है, अल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है OH- आयन के रिस्पेक्ट में, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होने की वजह से ये क्या करेगा कि H+ को बीटा कार्बन से, हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उसके बगल वाला बीटा कार्बन से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा। तो ये मेन रीजन था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि क्यों आरएक्स का ट्रीटमेंट जब एक्वस KOH से करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और अल्कोहलिक KOH से करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोक्साइड आयन बन जाता है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरीके से होगी, इट फॉलोज टू वेज, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहां पर हम SN2 मैकेनिज्म को सबसे पहले देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां पर SN2 का क्या मतलब है, ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया मॉलिकुलरिटी। यहां पर मॉलिकुलरिटी कितनी है, 2, ठीक। तो इसका मतलब हुआ जब मॉलिकुलरिटी 2 होती है तो रिएक्शन कहलाती है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो इसका मतलब हो गया 2 से हो गया बाई मॉलिकुलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक और एस फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्या हो गई, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर क्या होता है, यूनि मॉलिकुलर क्या होता है, इसको हम टॉपिक के एंड में बता देंगे, साथ साथ केमिकल काइनेटिक चैप्टर में हम आपको मॉलिकुलरिटी बहुत डीप में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो बेसिकली हैलो एल्कीन रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से, इसका CH बॉन्ड ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा, हैलाइड आयन आ जाएगा। अगर हम मैकेनिज्म को देखें तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड हमने लिया हुआ है और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो ये बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैच होने की कोशिश करेगा, क्लियर। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये लिखा है हमने ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर किसी कंपाउंड में एक ही समय पर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना और या बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा होता है। तो यहां पर देखिए
जहां पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा है तो बैक साइड से सी एन यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये सी एच बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही है, तो ये इसीलिए कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये भी एक इसकी पहचान का एक तरीका है कि ट्रांजिशन स्टेट किसमें आती है, SN2 रिएक्शन में आती है। अब देखिए फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हैलाइड आयन आ जाएगा और NU क्या हो जाएगा, C से जुड़ जाएगा। तो अगर हम यहां पर दोनों की सिमेट्री देखें, तो यहां पर अगर हम कैप को देखें, ये कैप को X मान लें, तो ये CX है और X की जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो ये CX बॉन्ड जो है जब ब्रेक किया और CNU बॉन्ड बना, CNU बॉन्ड बना, तो ये जो कंपाउंड है इसमें इन्वर्जन हो गया, ये 180 डिग्री रोटेट हो गया, तो जो बॉन्ड पहले ऐसा था वो क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो यानी यहां पर SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ बॉन्ड होगा। तो देखिए अब इसकी अगर मेन प्रॉपर्टीज हम देख लें, तो ये जो SN2 रिएक्शन है यहां पर इन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट की से रिएक्टेंट के कंपैरिजन में इन्वर्जन शो करेगा। दूसरी चीज, ये पूरी रिएक्शन एक स्टेप में होती है, तो ये वन स्टेप रिएक्शन है, और साथ साथ यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन में स्पीड कितनी है, क्या वेलोसिटी है रिएक्टेंट की, रिएक्शन की, तो वो डिपेंड करती है एल्किल हैलाइड और साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर। तो यानी जब रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट पर, दो सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है क्या, दो, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह रहे हैं। हमने कहा यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है इस पर, एल्किल हैलाइड CH3X पर और न्यूक्लियोफाइल पर, तो जब रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी कितनी, दो, इसीलिए क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब हम क्या करें, अगर हमारे पास तीन तरह के कार्बन हो, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा, कौन SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसके लिए हमें यह देखना है कि देखिए ये CH बॉन्ड है, यहां पर CH बॉन्ड से एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा और यहां पर एक जुड़ा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, 1 डिग्री कार्बन, ये कितने, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो 2 डिग्री कार्बन, और 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए तो 3 डिग्री कार्बन। देखिए 1, 2, 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो यहां पर लिखा है लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कंपाउंड फॉलो SN2 रिएक्शन, तो जहां पर एल्किल ग्रुप यानी बल्कियर ग्रुप मतलब हैवी ग्रुप, जितना ज्यादा आप क्या थे मेथिल एथिल प्रोपिल आता जाएगा, तो बल्कियर ग्रुप जितना ज्यादा होता जाएगा SN2 रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटीज उतनी कम हो जाएगी। तो यहां पर एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहां पर सारे तरफ क्या हो गए, एच होंगे, तो यहां पर बल्कियर ग्रुप बहुत कम है, ये नहीं है, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो सबसे ज्यादा अगर किसमें होगा SN2 रिएक्शन, तो इस वाले कंपाउंड। अब देखिए क्या होगा, अगर प्राइमरी कार्बन है और फिर क्या एक एल्किल ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर एक एल्किल ग्रुप है, तो कंपैटिबली ये ज्यादा तेजी से होगा, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया और यहां पर कम है। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ते जाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से SN2 होने की प्रॉपर्टी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो आपको जब भी ये पूछा जाए कि कौन सा रिएक्टेंट SN2 या S1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है, तो आपको सबसे पहले पहचानना होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन में से कौन सा है। अगर 1 डिग्री कार्बन होगा तो वो सबसे ज्यादा फेवर करेगा SN2 रिएक्शन को, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी होगा लेकिन उसका फेवर होने के चांसेस बहुत ही कम या लो हो जाते हैं। तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा फेवरेबल रहता है किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ये टॉपिक यहां पर फिनिश हो गया। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से SN1 और SN2 रिएक्शन का डिफरेंस, इनके मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको